कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा सङ्गो कविकर्मणि। सर आपको क्या लगता है ये आत्महत्या है या फिर हत्या? अभी कुछ नहीं कह सकता। निखिल या? इस फोटोग्राफ में नंदा के बाजू में जो आदमी है ये तो वही है जिसकी हमें लाश मिली थी। कह दो ये लॉमी, कह दो ये लॉमी। रवि हर्टिंग मी। आई एम सॉरी। मेरा रवि कभी आत्महत्या नहीं कर सकता, कभी आत्महत्या नहीं कर सकता वो। रवि कब से ऑफिस नहीं आता? 10 जनवरी को उसने हमारी कंपनी छोड़ दी थी। अनफेथफुल, तो शायद यही वजह रही कि आपने उसकी हत्या कर दी या करवा दी। व्हाट नॉनसेंस! हो सकता उसने आत्महत्या की हो? कैसे की हो? कूद के। रवि का केबिन कहाँ था मैं देख सकता हूँ? सर ये है रवि साहब। रमेश साहब बताओ। तुमने इस कमरे का इंटीरियर क्यों चेंज किया? मैंने नहीं बदला साहब। चुप। ये रवि की फोटो? हाँ हाँ साहब। उस वक्त की है जब वो यहां पे काम करते थे? जी साहब। तो फिर उस समय टेबल को वहां होना चाहिए था जिसका ये बैकग्राउंड था। ये ग्लास बैकग्राउंड नहीं था। टेबल अब यहां पे क्यों है? तुमने क्यों इंटीरियर बदला? मैंने नहीं बदला साहब। फिर किसने चेंज किया? वो बड़े साहब। बड़े साहब कौन? बड़े साहब के कहने पर साहब, राय साहब के कहने पर मैंने। ठीक है तुम जाओ। दरवाजा बंद करो। ओके सर। यह तय हो गया निखिल कि सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है
मुझे यकीन है कि कत्ल इसी कमरे में हुआ है और निश्चित रूप से यहां पे खून के दाग धब्बे होने चाहिए जो इन्होंने बहुत होशियारी के साथ साफ कर दिए। खैर, तुम ग्लूमिनोल स्प्रे छिड़को, उसके छिड़कते ही साथ वो सारे दाग धब्बे उभर के हमारे सामने आ जाएंगे। तुमको सर, यहाँ सोफे पर खून के दाग हैं। सर, यहाँ फर्श पर भी खून के दाग हैं। सर, ये देखिए पेन, ये पेन मुझे वहां फाइलों के नीचे दबा मिला। सर, इस पर खून लगा हुआ है। पूजा, लाइट। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वेपन के तौर पर इसे इस्तेमाल किया गया हो? लगता है राय साहब के साथ दोबारा चाय पीनी पड़ेगी। पाटिल, कुछ भी करो लेकिन ये इंक्वायरी रुकवा दो। अरे नहीं तो मार्केट में मेरी धज्जियां उड़ जाएगी। प्लीज कुछ करो। आई एम सॉरी, नहीं लगे रहिए, मैं बाद में आता हूं। पाटिल, मैं बाद में बात करता हूं। प्लीज कम इन। थैंक यू। राय साहब, क्या आपने रवि के कमरे का इंटीरियर बदलवा था? जी जी, क्योंकि उनकी जगह गुप्ता सब चार्ज लेने वाले थे, उनकी मर्जी के मुताबिक कैबिन में थोड़े से चेंजेस कर रहे हैं। अच्छा, क्या आप 10 जनवरी की रात के बाद क्या आप रवि के कैबिन में गए थे? जी। अच्छा, उस वक्त आपने फर्श पे या सोफे पे कुछ खून के दाग देखे थे या निशान, धब्बे, कुछ भी? खून? खून तो नहीं था। नहीं नहीं। अच्छा, गए कितनी तारीख को थे रवि के केबिन? 11 को दोपहर के लगभग 1 बजे। गुप्ता साहब साथ में थे। अच्छा, खैर, गुप्ता साहब से तो हम बाद में पूछताछ करेंगे। मुझे आप ये बताइए कि उस दिन आपके यहाँ सेलिब्रेशन कितने बजे तक चला? 10 बजे तक, उसके बाद सब लोग चले गए। 10 बजे के बाद कोई था जो ऑफिस में रुका? नहीं, बात ज्यादा पुरानी नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ। नंदा, चपरासी, रमेश जी, और मेरा ख्याल है रवि भी कैबिन में था क्योंकि उसके कैबिन की लाइट जल रही थी। और आप? मैं तो था। हाँ, हाँ। यूज दिस जी। नंदा पाटकर को अंदर भेजो। एक्सक्यूज मी सर। सर, आपने मुझे बुलाया? राय साहब ने नहीं बुलाया आपको, मैंने बुलाया। राय साहब, आपका जाने का वक्त आ गया। जी, आइए मेरे साथ। मिस्टर राय, बाहर जाइए। व्हाट? अरे भाई, कुछ देर के लिए आपका ही दफ्तर है,
मैं थोड़ी देर के लिए इसका इस्तेमाल पूछताछ केंद्र के तौर पर करना चाहता हूं। जी वेलकम मिस पाटकर, प्लीज। बैठिए। राय साहब बता रहे थे आपके बॉस कि सेलिब्रेशन के बाद आप कुछ देर ऑफिस में रुक गई थी और रवि भी था, चक्कर क्या है? एक्चुअली जैसे ही मुझे पता चला कि मिस्टर राय ने रवि को नौकरी से निकाल दिया है तो मैं उससे बात करने के लिए उसके कैबिन में चली गई। आओ नंदा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कहो क्या कहना चाहती हो? रवि, अगर तुम चाहो तो मैं मिस्टर राय से बात करके तुम्हें तुम्हारी जॉब दोबारा दिला सकती हूँ। हाँ, अब तो तुम्हारी बात भी नहीं टाल सकते, पर अब मैं यहां पर काम करना नहीं चाहता। नॉट इंटरेस्टेड। पर क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के होते हुए नहीं देख सकता। रवि, अब भी तुम्हारे दिमाग में वो सारी बातें हैं। तुम ये मान क्यों नहीं लेते कि मैं तुम्हारी कभी थी ही नहीं? तो मैं तुम्हें किसी और की होने भी नहीं दूंगा। रवि, रवि छोड़ो मुझे। अगर तुम मेरी नहीं हो सकी ना तो मैं तुम्हें किसी की नहीं होने दूंगा, समझे तुम? छोड़ो मुझे। मैं यहां दोस्ती की खातिर आई थी लेकिन तुम दोस्ती के लायक भी नहीं हो। उसके बाद मैं रवि के कैबिन से बाहर आ गई। रवि मुझे दीवानगी की हद तक जाने लगा था। अगर मुझे पता होता कि ये बात इस हद तक आगे बढ़ जाएगी तो मैं रवि से दोस्ती नहीं करती। उसके बाद आप रवि से कभी नहीं मिले? नहीं। ठीक है मंदा, आप जा सकते हैं। थैंक यू। उस दिन रात को आप दोनों कहां थे? 10 जून की रात 10 बजे के बाद तुम कहां थे? मैं यहीं था साहब। वो क्या है साहब कि सेठ लोगों के सेलिब्रेशन के बाद में हमारा काम बढ़ जाता, पूरी रात साफ सफाई में चली गई। मैं ऊपर का कमरा साफ। फिर साहब मैं ऊपर ही थककर सो गया साहब। कमाल है, कोई आदमी कत्ल करने के लिए पेन का वेपन के तौर पर इस्तेमाल कैसे कर सकता है पूजा? लेकिन इस पेन के ऊपर खून लगा हुआ है, यानी यह तय है कि कातिल ने रवि के ऊपर इस पेन से हमला किया होगा और यह खून भी रवि का ही होगा। हाँ, जाके चेक करो कि रवि के कपड़ों में कहीं कोई छोटा मोटा छेद है। Right. यही खून का दाग मुझे खूनी तक ले जाएगा।
सर, ब्लड रिपोर्ट आ गई है। कोट पे लगा हुआ खून और पेन पे लगा हुआ खून दोनों एक ही ब्लड ग्रुप से है, ए बी पॉजिटिव, और रवि का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। यानी पेन पर लगा हुआ खून रवि का नहीं है, तो फिर ये उसी शख्स का होगा जिसने रवि का कत्ल किया है। पूजा, मुझे राय एंड राय कंपनी में काम करने वाले सारे लोगों के ब्लड ग्रुप की जानकारी चाहिए। क्विक। राइट सर। हाँ निखिल। सर, मैंने सभी गाड़ी चेक की, मगर मुझे किसी भी गाड़ी से कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा हो नहीं सकता निखिल, क्योंकि कोई एक गाड़ी होगी जिसका इस्तेमाल लाश को ब्रिज तक ले जाने के लिए किया गया होगा। तुम एक काम करो, फिर से जाओ 10 जनवरी का रजिस्टर चेक करो और ये पता करो कि 10 जनवरी को आने वाली गाड़ियों में से कोई एक गाड़ी ऐसी तो नहीं है जो आज मिसिंग हो। अच्छा। राय साहब, आपकी सोनाटा कार कहाँ है? सब स्टेशन में। और आपका ड्राइवर? ड्राइवर छुट्टी पर गया हुआ। शुक्रिया। यकीन है वो मेरी गाड़ी को चेक कर रहे थे? ठीक है, मैं वकील से बात करता हूं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। तुम उन पर नजर रखना। हाँ हाँ, तुम्हें पैसे वक्त पर मिल जाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं फोन रखता हूं। बेटा, एडवोकेट दस्तूर से मेरी बात करवाओ, बहुत अर्जेंट है। हेलो हेलो गौरव साहब। हाँ जी बोलिए, बोलो। गौरव साहब, मैं रवि का दोस्त उदय बोल रहा हूँ, मुझे आपसे मिलकर अकेले में कुछ बात करनी है। लेकिन गौरव साहब, मेरे बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। सर, आपको एक श्योरिटी देनी होगी कि आप मेरा नाम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। सर ठीक है, आप मेरे ऑफिस आ जाइए। नहीं नहीं सर, नहीं सर, आप मुझे एक घंटे के बाद अर्बन तड़का रेस्टोरेंट में मिलिए। ओके ओके सर। निखिल, 50 मिनट बाद अर्बन तड़का रेस्टोरेंट पहुंचो, तुम और पूजा। सर, मैं रवि को बरसों से जानता हूं। राय एंड राय कंपनी में मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता हूं और वो प्रोडक्शन में काम करता था, और नंदा भी। सर, रवि नंदा को दिलो जान से चाहता था, बहुत खुश था रवि। लेकिन एक दिन यूएसए से अरविंद आया। अरविंद? कौन? मिस्टर रॉय का बेटा, बड़ा ही गुस्से वाला और इगोइस्टिक आदमी। सर अरविंद की मुलाकात नंदा से हुई और वो उसकी तरफ आकर्षित हो गया। एक दिन नंदा को उसने प्रपोज कर दिया और नंदा ने रवि को छोड़ दिया। सर, मैंने रवि को समझाने की कोशिश की कि देख रवि, जब तक नंदा को तेरा साथ अच्छा लगा वो तेरी होकर रही, अब किसी और की हो गई तो ये दोस्ती भूल जा। किसी और की हो गई? किसी और की हो गई क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे और मेरे पास नहीं। देखना, तू देखना होता है, तू देखना, मैं भी बहुत सारे पैसे बनाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं देखता हूं,
मैं देखता हूं नंदा अरविंद के पास कितने दिन टिकती है। रवि हर हाल में रुपए कमाने का फैसला कर चुका था। उसे जब भी मौका मिलता वो रॉय के कंप्यूटर से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चुरा कर रॉय के कंपटीटर को बेचने लगा, जिससे उसे अच्छे खासे रुपए मिलने लगे थे। इस काम से बहुत खुश था क्योंकि उसे इसके पैसे मिल रहे थे, लेकिन सर वो नंदा को भूल नहीं पा रहा था। वो नंदा को मिस कॉल करता, एसएमएस भेजता, कार्ड तक भेजता था। नंदा ने इस बात को सर लाइटली लिया। वो जानती थी कि रवि उसे चाहता है पर उसे भुला नहीं पा रहा है। लेकिन सर जब इसी बात का पता अरविंद को चला। अरविंद मतलब राय साहब का लड़का? हाँ जी, राय साहब का बेटा। इसी बात का पता जब अरविंद को चला तो सीधा रवि के केबिन में गया। ये सब क्या है? क्या है? कार्ड्स हैं और क्या है? अगर दोबारा तुमने ये कार्ड्स, एसएमएस और मिस्ड कॉल करके नंदा को परेशान किया तो मैं नंदा को परेशान नहीं करता। मैं तो सिर्फ उसे याद दिलाता हूं कि मैं उसे बहुत चाहता हूं। लेकिन वो तुम्हें कह चुकी है कि वो तुम्हें नहीं मुझे चाहती है। उसे मेरी चाहत तो कम नहीं हो जाती ना? I just love her. अगर दोबारा तुमने ऐसा कहा I'll break your face. I love her. खबरदार, जो नंदा का नाम तुम अपनी सभा पे लाए। नंदा, 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 आई लव नंदा। अरविंद, देखो अगर सर को पता चला तो बहुत नाराज होंगे। लेंगे प्लीज मेरी खातिर छोड़ो इसे, प्लीज मेरी खातिर छोड़ो। नंदा की खातिर आज छोड़ दिया, अगली बार नहीं छोड़ूंगा। चलो यहां से। चलो नंदा, नंदा, नंदा। I love you. सर, अरविंद अगर चाहता तो रवि को उसी दिन नौकरी से निकाल सकता था, लेकिन मिस्टर राय को अरविंद और नंदा के रिश्ते के बारे में पता नहीं था, इसीलिए अरविंद खामोश था। जब मिस्टर राय को इन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने 10 जनवरी को सारे स्टाफ को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया। मैंने आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि मैं अपनी खुशियां आप लोगों के साथ बांट सकूं। नंदा यहां आओ बेटा। 20 तारीख को मैं अरविंद की एंगेजमेंट नंदा के साथ करने जा रहा हूं। Dad, I love you, Dad.
नमक हराम। अरविंद पहले से कहता था कि उसको नौकरी से निकाल दो, उस वक्त निकाल दिया होता तो अच्छा होता। इस कंपनी ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुमने इसके सीक्रेट मार्केट में बेच दिए। Get out! You're fired! रवि, रवि इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। तुम एक बार मिस्टर रॉय से माफी मांग लो तुम्हें शायद तुम्हारा जॉब वापस मिल जाए। नहीं, कभी नहीं। मैं मिस्टर रॉय से माफी कभी नहीं मांगूंगा। मुझे यह काम नहीं करना। मैं अपनी नंदा को अरविंद के साथ नहीं देख सकता। रवि मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, उनकी सगाई होने जा रही है। हुई तो नहीं है ना? हुई तो नहीं है ना? अभी 30 दिन बाकी है। पर तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं? वो एक दूसरे को चाहते हैं। अभी 1 महीना बाकी है, पूरे 30 दिन। रवि को समझा बुझा कर जब मैं उसके केबिन से निकला तो मैंने देखा कि नंदा रवि के केबिन में जा रही है। अच्छा जी, उदय जी आप जब ऑफिस से निकले उस वक्त ऑफिस में कौन कौन था? ऑफिस तो तकरीबन बंद हो चुका था, लेकिन हाँ अरविंद के कमरे की बत्ती जल रही थी। शायद अरविंद अपने केबिन में था और वो प्यून रमेश भी था बस। लेकिन रमेश ने तो हमें बताया कि वो साफ सफाई कर रहा था और सो गया। सर एक नंबर का काम चोर है ये रमेश, झूठ बोल रहा है। सर साफ सफाई दूसरे लोग कर रहे थे, मैंने देखा था अपनी आंखों से, वो आराम कर रहा था। राय साहब इंस्पेक्टर गौरव से उदय साहब कुछ बात कर रहे हैं। ओके साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया था, मुझे माफ कर दो। इधर चिलमन से तुम झांको, उधर चिलमन से हम झांके। लगा दो आग चिलमन में, न तुम झांको न हम झांके। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। जिसका काम उसी को सो है। ड्राइवर थे, ड्राइवर रहे आते, कामों का जासूस क्यों बन गए? पहली कक्षा में अपन लोगों को गुरुजी पढ़ाते थे कि किसी की बातें छुप कर नहीं सुननी चाहिए, पाप होता है। पाप होता है। किसी को छुप कर नहीं देखना चाहिए, है ना? तो पाप तो तुमने किया है, और पाप से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया था। फिर वही बात। देख भाई मेरे पास बहुत सारे काम है, मैं सिर्फ इसी एक केस में उलझा नहीं रह सकता हमेशा के लिए। मुझे फाइल बंद करनी है, और भी सारे केस हैं। ठीक है, कुछ नहीं जानता ना तू, तो मैं तेरे ऊपर इल्जाम लगा दूंगा कि तूने ही रवि को मारा है। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत बता साहब, मेरे बाल बच्चे मर जाएगा साहब, मैंने कुछ नहीं किया। तो ठीक है, तो फिर शुरू हो जाओ। मैं कुछ नहीं जानता साहब, मैं तो गाड़ी में बैठा था, राय साहब का इंतजार कर रहा था। इतने में उन्होंने मुझे मोबाइल पे फोन किया, उन्होंने कहा कि तुम ऊपर आओ, मैं ऊपर गया, केबिन में बुलाया मुझे उन्होंने। उसके बाद ₹1,00,000 और दूंगा, लेकिन इस काम के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। नहीं साहब,
किसी को पता नहीं चलेगा साहब, आप मुझ पर भरोसा रखिए। आओ मेरे साथ। ड्राइवर सर, रवि की लाश को ब्रिज के ऊपर से फेंक। घर पे छोड़ा और गाड़ी को सर्विसिंग में दे दिया साहब। चुप। और डरपोक आदमी हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? राधे बिहारी साहब। राधे भी और बिहारी भी? जी। राधे बिहारी, तुमने राय साहब को बहुत लंबा फंसा दिया, बहुत लंबे जाएंगे। सर तुम चिंता मत करो, अब से तुम हमारे मेहमान, लेकिन इस बात की खबर मैं राय साहब को नहीं दूंगा। मूंगफली खाओगे? नहीं। नहीं खाओगे? खा लूंगा साहब। हर बात का जवाब हाँ में देना। तुम आदमी हो, थोड़ी बात करता था सब जितना बालू तब तो बताया सब। नहीं, मुझे तुमसे बात ही नहीं, बात ही नहीं पूछ। रवि छोड़ो मुझे। अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो किसी की नहीं हो सकती। रवि प्लीज, रवि प्लीज छोड़ो मुझे। तूने नंदा को हाथ कैसे लगाया? नंदा मैं ही है। पैसों के बल पर उसे हासिल नहीं कर सकता, समझा? तुझे नहीं छोड़ूंगा। सर मैं बहुत डरा हुआ था साहब, मैं ऊपर से आके नीचे हॉल मिस हो गया साहब, फिर मैं ऊपर नहीं गया। हाँ जूलिया, अच्छा ओके, थैंक यू। सब सब सच बोल रहे साहब, इसमें जो कोई भी बात झूठ हो ना साहब, आप हमसे जाए कोई भी कसम खिलवा लो। नहीं, कसम मत, खाना खाना बना देता ना। आगे से हर काम सफाई से करने की आदत डालो, झूठ भी सफाई से बोलो और ऑफिस की सफाई भी सफाई से करो।
मैंने आप लोगों को बराबरी का मौका दिया कि आप सब अपना बचाव कर सकें। अब मैं एक मौका और देना चाहता हूं कि आप में से जो असली गुनहगार है, जिसकी जानकारी मुझे है, अगर वो ईमानदारी से अपना गुनाह कबूल कर लेगा तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि कानून से गुजारिश करूंगा कि उसे कम से कम सजा मिले। हाँ मिस्टर राय, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आपके ड्राइवर को हमने अरेस्ट कर लिया और उसने सब कुछ हमें बता दिया है। मैं जानता हूं कि आपको अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का बहुत ध्यान है, तो मेरा विश्वास कीजिए, मैं इस पूरे केस को मीडिया की नजरों से बचा के रखूंगा। तुम चुप रहो। मैंने खून किया है क्योंकि रवि ने कंपनी के साथ कत्तारी की है, नमक हरामी की है। ड्राइवर के साथ मिलकर मैंने उसे ब्रिज के ऊपर से फेंक दिया ताकि ऐसा लगे कि उसने खुदकुशी की है। नहीं सर, सर ये झूठ बोल रहे हो। अरविंद डैड, प्लीज प्लीज डैड, मुझे बचाने की कोशिश मत करिए। सर रवि नंदा के साथ बदतमीजी कर रहा था, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसके सर पे एक लोहे की मूर्ति मार दी। और जब डैड को ये बात पता चली तो डैड ने मुझे और नंदा को वहां से भेज दिया और रवि की लाश फेंकवा दी। सर मैंने रवि का खून किया है, मैं आपके सामने सरेंडर करता हूं। इस बात का आप कुछ कहना चाहेंगे? सर अगर अरविंद ने खून किया है तो इसकी वजह मैं हूं, इसलिए सजा मुझे मिलनी चाहिए। आप प्लीज मुझे अरेस्ट कीजिए। बहुत प्यार करते हैं आप लोग एक दूसरे से। खैर बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप लोगों ने हमारा साथ दिया, कानून के साथ सहयोग किया, इस वजह से ही इस केस को हम सुलझा पाए। एक जगह हमें लगा कि हम फंस जाएंगे, इस केस को हम सुलझा नहीं पाएंगे, उस वक्त उदय ने हमारी मदद की। थैंक यू। नहीं कुछ नहीं सर। Did I hurt? नहीं, it's okay, sir. नहीं, मैं तो इतना सख्त नहीं हूँ, मुझे आप कुछ ज्यादा ही कोमल नजर आ रहे हैं। अरे क्या हुआ? सर दुख रहा है। सर बहुत दुख रहा है। सर छोटी चोट और इतना बड़ा दर्द? सर मैं मर जाऊंगा, दुख रहा है। नहीं नहीं सर, दर्द दर्द बहुत दुख रहा है। सर सर बहुत बहुत दुख रहा है, प्लीज छोड़ दिया सर, प्लीज छोड़ दिया सर। मुझे लगता है कि आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ छिपा रहे हैं। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक ये दर्द कम नहीं होगा। नहीं सर दुख रहा है, प्लीज सर छोड़ दीजिए। सर 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 छोड़ दीजिए, सर छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है सर। मैं नहीं सर प्लीज सर प्लीज। अच्छा मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी सर, जुए में बहुत हार चुका था मैं। मैंने देखा कि अरविंद ने रवि को मूर्ति से मारा, उठा के
मैं रवि के केबिन में चला गया। मैं जानता था कि उस दिन रवि खंडेलवाल को कंपनी के सीक्रेट्स बेच के आया है और खंडेलवाल ने उसे 25 लाख रुपए कैश दिए हैं। माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए। हमारे बड़े बुजुर्ग सदियों से एक नसीहत देते आए हैं हम लोगों को कि भट्टे में टांग अड़ाना बुरी बात है, लेकिन तुम तो उन लोगों में से हो जिसे ना बुजुर्गों की कद्र है ना बुजुर्गों की बात की। तुम तो उन्हें बेवकूफ समझते आए हो, लेकिन सच ये है कि तुम बेवकूफ हो, गधे हो तुम। तुमने मुझे फोन करके बिल्कुल वैसे ही किया कि आबेल मुझे मार, क्योंकि तुम चाहते थे कि इन्वेस्टिगेशन जल्दी से खत्म हो, अरविंद फंस जाए और तुम बिल्कुल फ्री रहो। लेकिन जब तुमने मुझे फोन किया था मैं तभी समझ गया था और मुझे लगा कि बच्चा मेरे साथ खेल खेलना चाहता है और मैं भी खेलने लगा बच्चे का दिल बहलाने के लिए। उदय, कोई भी हो, चाहे वो लाचारी में किया गया हो, मजबूरी में किया गया हो, बेबसी में किया गया हो या आदतन किया गया हो, कत्ल कत्ल होता है, उसकी सजा एक ही होती है। और उम्मीद करता हूं कि ये सजा तुम्हें हमेशा याद कराती रहेगी कि भट्टे में टांग अड़ाना बुरी बात है। कौवा हंस की चाल चला लंगड़ा के थोड़ा थोड़ा, और एक गधे ने सोचा बन जाऊं मैं भी घोड़ा। चल मुंबई।